हम लोग फिर से हाजिर हैं आपके सामने हार्डविक की वॉल्यूम 2 को लेकर एक नए लेसन के साथ आप लोगों के सामने हैं आज हम। और इसमें हम लोगों के पास, आपको पता है, हार्डविक की बुक आप लोग को जानते होंगे। इसमें कुल मिला के हर एक लेसन में 20 शब्द होते हैं और 20 शब्द का हम लोगों को मीनिंग जानना है। हम लोग उसको किस तरह से वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ये हमारे लिए सिर्फ वर्ड पावर के लिए ही नहीं है, हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए भी है। हमें हर एक वर्ड को जानना ही नहीं है, हमें पहचानना भी है। मैं बता दूँ, जानना और पहचानने में फ़र्क है। जानना मतलब हो गया मैं आपको जानता हूँ, एक बार मिले हाँ मैं जानता हूँ आपका नाम। पहचानने का मतलब होता है व्हेन आई नो अबाउट योर नेचर कैरेक्टर। मतलब हर एक वर्ड का हम लोग कैरेक्टर जानेंगे, इसका पॉजिटिव मीनिंग क्या होता है, इसका निगेटिव मीनिंग क्या होता है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या होता है, नाउन के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पिछले वर्ड्स को हम लोग निकाल के चले हैं और इस बार भी अभी हम लोग इनको आगे निकाल के चलते हैं। देखिए पहला वर्ड है इसमें एफ्रॉन्ट, अप्रेस, ब्लेमिश, कंसर्टेड, काउंटर एक्ट, इनहांस, फ्राइवोलस, गैलेक्सी, इम्प्रोवाइज, लग्जरियंट, लग्जरियस, मॉनेटरी, आइए, ऑब्सोलेट, ओमिनस, इलेज, रिफ्यूट, रेपाइन, रेस्प्लेंडेंट, टॉलरेबल एंड टॉलरेंट। कुल मिला के ये 20 शब्द आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। इन सभी 20 शब्दों को हम लोग वर्ड मीनिंग जानेंगे और इसको किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे सेंटेंस में देखते हैं अभी। हम सबसे पहला शब्द मिल रहा है हमें एफ्रॉन्ट। एफ्रॉन्ट दो शब्द से बन रहा है, ए एफ प्लस फ्रॉन्ट। देखिए ये जो है प्रेफिक्स लगा हुआ है, प्रेफिक्स जो जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। फ्रंट का मतलब आपको पता है, मेरे सामने, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। देखो यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने हो तुम, या इस स्कूल के सामने एक मंदिर है, टेम्पल इज इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, इन फ्रंट ऑफ। इसी तरह से फ्रंट में एक जोड़ा है फ्रंटल, ए एल जोड़ना, फ्रंटल मतलब सामने का, पर्सन से पर्सनल, ठीक है, नॉर्म से नॉर्मल, फ्रंट से फ्रंटल मतलब फ्रंट से रिलेटेड, मतलब फ्रंटल लुक, सामने का कुछ, मैंने सामने का कुछ लुक होगा, ठीक है। तो फ्रंट का मतलब सामने, अच्छा फ्रंट का मतलब सामना, ठीक है ना। अच्छा एफ्रंट में ए एफ लगने से इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब इंसल्ट हो रहा है, डिसरेस्पेक्ट हो रहा है। और कन्फ्रंट में कौन लगा रहे हैं, यहाँ पे भी प्रेफिक्स लग रहा है, इसका मतलब हो रहा है बहस करना, क्यों बोला जाए इसको सही शब्दों में बोला जाए, बहस करना नहीं, चैलेंज करना, डिफाई करना, ठीक है, कन्फ्रंट कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ पढ़ने क्यों नहीं गए थे, आप जवाब दे रहे हैं आप पूछने वाले कौन, ने कन्फ्रंट करना मतलब कि बहस करना या फिर किसी चीज़ का एक बहुत ज़बरदस्त चैलेंज पेश करना सामने। तो कन्फ्रंट का एंटोनिम अगर आप खोजेंगे तो कन्फ्रंट का मतलब होता है कंसीलिएट का मतलब होता है शांत करना, ठीक है ना, या मध्यस्थता करना। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आप उसको कंसीलिएट कर रहे हैं या मध्यस्थ कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में अगर किसी बात को सुलझाना हो ना, सेटलमेंट करना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि कंसीलिएशन। लेकिन दो लोगों को झगड़ा करवाना हो तो कहते हैं कन्फ्रंटेशन, दोनों में कन्फ्रंटेशन हो रहा है, बाप बेटे में कन्फ्रंटेशन, ठीक है। कंसीलिएशन हो सकता है कि दो राज्य हों, दो राज्य आपस में लड़ रहे हों, तो भाई साहब मैच ड्रॉ में आ रहा है, तो चलो दो दस मिल के आपस में किसी तरह से चलो कंसीलिएट कर दे, तो भाई आपस में लड़ रहे हैं, चलिए बीच में मध्यस्थता करके उसको कंसीलिएट कर दिए। तो कंसीलिएट से आप बना रहे हैं कंसीलिएशन, कन्फ्रंट से बना रहे हैं आप लोग कॉन्फ्रंटेशन, ठीक है। चलिए तो हम लोग कन्फ्रंटेशन और कंसीलिएशन इस वजह से पढ़े क्योंकि हमारे सामने एक शब्द आ गया था एफ्रॉन्ट। एफ्रॉन्ट का मतलब होता है ये, फिर एफ्रॉन्ट एज ए नाउन इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं द गैंगरेप एक्सीडेंट, द गैंगरेप लिखते हैं हम लोग निर्भया गैंगरेप इंसिडेंट वॉज एन एफ्रॉन्ट टू द नेशन,
ये हमारे देश के लिए ये बहुत ही बेइज्जती वाली बात है, इंसल्ट है, ठीक है। तो अफ्रंट का मतलब बेइज्जती, इंसल्ट, डिसरेस्पेक्ट, ठीक है। इस सेंटेंस को देख लीजिए आप लोग। कंसिलिएशन का मतलब शांति करने की प्रक्रिया, ठीक है, शांति करने की प्रक्रिया, शांत करने की प्रक्रिया। और ये हो गया आपसी मतभेद करने की, मतभेद मतलब मतभेद बढ़ाने की प्रक्रिया। तो ये क्लियर है आपके सामने, एफ्रंट, कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का उल्टा कंसिलिएट, कंसिलिएट से कंसिलिएशन, कन्फ्रंट से कन्फ्रंटेशन, ठीक है। अभी हम लोग फ्रंट को ही देख रहे हैं और फ्रंटियर एक और वर्ड आ रहा है इससे। फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर, सिंपली समझ लीजिए फ्रंटियर का मतलब बॉर्डर। बॉर्डर किसका? बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज। और फ्रंटियर से आपको याद होगा जीएस का एक सवाल मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते थे, सीमांत गांधी। और ये भी ट्रेन भी चलती है फ्रंटियर मेल, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे सामने, कुल मिला के फ्रंट से जो जो शब्द बन रहे हैं, फ्रंट क्लियर है, फ्रंट मतलब सामने, फ्रंटल मतलब सामने से संबंधित, फ्रंटियर का मतलब सीमांत, फ्रंट का मतलब इंसल्ट करना, कन्फ्रंट का मतलब होता है टू चैलेंज, कन्फ्रंट से कन्फ्रंटेशन बना है, कंसिलिएट से कंसिलिएशन बना है। तो कुल मिला के ये हमारे कुछ रिलेटेड वर्ड्स थे फ्रंट से। इसमें एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, फ्रंट रूट वर्ड है, ठीक है। तो इस रूट वर्ड से कितने सारे वर्ड्स बन रहे हैं आपके सामने। हम लोग एक्चुअली हार्डविक करता क्या है, हार्डविक सिर्फ आपको एक शब्द देता है और इससे रिलेटेड आपको खुद से खुद खोजने होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड आप कर लिए सिर्फ एक शब्द, ठीक है। अब हम लोग अगला वर्ड देखेंगे एप्रेस। इसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या इसे एक वर्ड से और कितने कितने शब्द बन सकते हैं, ठीक है, देखते हैं अभी। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने एफ्रंट एप्रेस है। एप्रेस से जरा सा देख लीजिए भाई साहब कौन कौन से शब्द बन रहे हैं। एप्रेस एक्चुअली वर्ड बना है प्रेज से, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, आई प्रेज यू, चलिए। तो प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, या यू बोल सकते हैं कमेंट, कमेंट, कमेंट मतलब प्रशंसा करना, कमेंट। और प्रशंसनीय कार्य किया है आपने, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कमेंडेबल जॉब, कमेंडेबल जॉब मतलब प्रशंसनीय कार्य, मैंने किया कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आई विल प्रेज यू, मैं आपकी प्रशंसा करेंगे करूँगा, कमेंडेबल जॉब प्रशंसनीय कार्य। तो ये देखिए यहाँ पे शब्द बना है प्रेज से, तो प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो उसके बाद अप्रेज का मतलब क्या हो गया, किसी की प्रशंसा करना, टू गिव ओपिनियन अबाउट समथिंग, ठीक है। प्रेज अप्रेज, खुद से प्रशंसा करें ना आपकी, अब तो ठीक है। अप्रेजल जनरली थर्ड पार्टी करता है, ठीक है, मैं अपनी प्रशंसा खुद कर रहा हूँ, अपने आप से मैं मियाँ मिठू बन रहा हूँ, आई एम प्रेजिंग माई सेल्फ, लेकिन कोई मेरे बारे में इवेलुएट करे, ठीक है, दैट इज अप्रेज। और अप्रेज से वर्ड बना है अप्रेजल, द एक्ट ऑफ जजिंग, हम अपने मन से मियाँ मिठू बने, अरे भाई साहब मेरी कंडीशन क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, इसकी तुलना इसकी अगर हम खुद से करें तो ये प्रेज हो सकता है, लेकिन अप्रेजल समवन एल्स विल जज माय क्वालिटी। और प्रेज से बना है प्रेज वर्दी, ठीक है, प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी मतलब आपका यह काम प्रशंसनीय है, तो ये प्रेज वर्दी भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, प्रेज वर्दी, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे एप्राइज आ रहा है, देखिए APPRISE, एप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्मर, इन्फॉर्म देना, टू गिव इन्फॉर्मेशन, टू किसी तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अरे आई हैड एप्राइज्ड यू, मैंने तो आपको सूचित किया था, आई हैड एप्राइज्ड यू। देखिए द वुमेन एप्राइज, वुमेन ने इन्फॉर्म किया, द वुमेन इन्फॉर्म्ड अबाउट द थेफ्ट टू द पुलिस, यहाँ पर अप्राइज का मतलब
सूचना देना हो रहा है, ठीक है, सूचना देना। और एप्रेस का मतलब प्रशंसा करना। द टीचर एप्रेज्ड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, शिक्षक ने स्टूडेंट के परफॉर्मेंस की प्रशंसा की, ठीक है जी। अब हम लोग कुछ और वर्ड्स को देख लेते हैं। एक बड़ा सब बढ़िया शब्द आ गया है हमारे पास थर्ड नंबर में, ब्लेमिश। ब्लेमिश को यूं समझा जाए तो ब्लेमिश का मतलब होता है दाग या धब्बा। अब जरा सा देखते हैं दाग धब्बा या टेंट, और लिखते हैं टेंटेड पर्सनालिटी, एक ऐसी छवि जो धूमिल छवि। मान के चलिए एक क्लर्क है जो बैंक में काम करता है, आज तक उसका एक बहुत ही अच्छा इमेज रहा मार्केट में, लेकिन एक बार वह बेवजह किसी वजह से कंस्पिरेसी के तहत फंस गया और उसकी जो रिपुटेशन थी ना वो धूमिल हो गई। देखते हैं द इंसिडेंट ब्लेमिश्ड हिज रिपुटेशन, उसकी छवि पर, उसकी छवि क्या हो गई, ब्लेमिश्ड हो गई। दिस इंसिडेंट टेंटेड हिज रिपुटेशन, इस घटना से उसकी रिपुटेशन पर दाग लग गया, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग एफ्रंट, एप्रेस और ब्लेमिश, ठीक है। अब हम लोग एक चौथा शब्द देखेंगे, कॉन्सर्टेड। ब्लेमिश में मार्केट में एंटी ब्लेमिश क्रीम आती है, मतलब एक ऐसा क्रीम जो धब्बों को कम कर दे। अब फेयर एंड लवली जो है ना एंटी ब्लेमिश क्रीम है, पता नहीं उसने क्या कर रखा है। एंटी ब्लेमिश, ब्लेमिश मतलब धब्बा, और धब्बा को हटाने वाला क्रीम एंटी ब्लेमिश क्रीम, ठीक है। चलिए, मैं एक्चुअली वर्ड कंसर्टेड पे आ रहा था, मैं कंसर्टेड को बताता हूँ आपको भी। आइए अब हम लोग कंसर्टेड के बारे में देखते हैं। कंसर्ट बना है, कंसर्टेड बना है कंसर्ट से। तो पहले कंसर्ट का मतलब समझ लीजिए, कंसर्ट मतलब एक म्यूजिक कंसर्ट चल रहा है। कंसर्ट का मतलब होता है ना एक समागम, लोगों का एक बैठकी, टुगेदरनेस ऑफ पीपल। तो अगर कंसर्ट को जनरली म्यूजिक, म्यूजिक कंसर्ट, तो कंसर्ट का मतलब कोई भी हो सकता है, म्यूजिक कंसर्ट हो सकता है या किसी और तरह का कंसर्ट हो जाता है जहाँ पर सभाएँ या प्रवचन बोले जा रहे हों। तो पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक, इसके लिए एक वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, कि जो सभा में एक बड़े एक लंबा चौड़ा महफिल जमी हुई है और म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा है, तो कह सकते हैं आप कहाँ गए थे भाई, तब कहेंगे कंसर्ट में गए हुए थे। तो कंसर्ट का मतलब होता है पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक। कंसर्ट से एक वर्ड बना है कंसर्टेड। कंसर्टेड जनरली अब थोड़ा सा हटके हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग की तो बात हो रही है। कंसर्ट का मतलब हो क्या रहा है, कंसर्ट का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी पर्पस के लिए पहुंचे हैं। तो कंसर्टेड का मतलब होता है समथिंग विच इज़ डन, ठीक है, समथिंग विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मैनी पीपल। अब कहीं पर डकैती करनी है तो चार पाँच लोग मिल जाइए, तो उसके लिए क्या करना होगा, प्री कंसर्टेड। देखिए ये वर्ड आ रहा है प्री कंसर्टेड, पाँच लोग मिल के चले आज डकैती करने, थेफ्ट करने, तो प्री कंसर्टेड पहले ही से प्लानिंग हो रखी है, हाँ जी तुम यहाँ रहोगे वो खड़ा रहेगा। तो कंसर्ट का मतलब होता है टुगेदरनेस, प्री कंसर्टेड का मतलब पहले ही से मीटिंग ऑफ माइंड्स है, देर इज मीटिंग ऑफ माइंड्स फॉर व्हाट, मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो यहाँ पर प्री कंसर्टेड का मतलब कह सकते हैं प्री प्लान, ठीक है। तो कंसर्ट मतलब टुगेदरनेस ऑफ पीपल, कंसर्टेड का मतलब डन इन समथिंग कंसर्टेड था, प्री कंसर्टेड। और इससे एक नया वर्ड देख लीजिएगा कंसर्न, कंसर्न होता है कि आपको उसे कोई कंसर्न नहीं रखना है, उससे कोई लिंक नहीं रखना है, नहीं इन्वॉल्वमेंट, लिंक, इन्वॉल्व, डील करना या रिलेट नहीं करना, नो रिलेशन, नो कंसर्न, नो रिलेशन, ठीक है। तो कंसर्न आ गया, और कंसर्न से एक बात और आ रही है, एक नया निकल वर्ड आप देख लीजिएगा, कॉनकॉक्ट। अब ये कंसर्न कॉनकॉक्ट, अब कॉनकॉक्ट जनरली एक वर्ड है, कॉनकॉक्ट का मतलब होता ही है कॉनकॉक्टेड स्टोरी बता रहा है। क्यों भाई इतना देर से कहाँ थे,
आज एक्स्ट्रा क्लास पढ़ गए थे भाई, इसीलिए आज नहीं पता चलेगा कि नहीं मैंने तो उस लड़के को देखा है, वो तो कहीं फील्ड में घूम रहा था, लंबी क्लास तो हुई नहीं। तो आप समझ में आ गया कि भाई साहब ये बात बना रहा है, क्या कर रहा है, फैब्रिकेट कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि जब अगर आपको उसके बारे में सही सही जानकारी है कि भाई साहब कौन कहाँ कैसे गया था, तो सीधे बोलिएगा भाई साहब वो कोई स्टोरी सुना रहा है आपको, तो आप पकड़ लीजिएगा उसको और बोलिएगा भाई साहब ये कॉन्कॉक्टेड स्टोरी सुनाने की ज़रूरत मुझे नहीं। क्या बोलिएगा आप लोग? कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, मतलब ये स्टोरी जो बनाई गई है, फैक्ट नहीं है उसमें। ठीक है, डिवाइस स्टोरी, ठीक है, समथिंग फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड मतलब फैब्रिक बताया मतलब कपड़ा होता है, कपड़ा कैसे बुनते हैं, एक धागा ऐसे कर करके बना दिया है कपड़ा, तो उसका तो फैब्रिकेटेड स्टोरी। ठीक है, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, डिवाइस स्टोरी। ठीक है, अब एक नया चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड, सॉरी पांचवा वर्ड हम लोग देखेंगे, काउंटर एक्ट। आइए हम लोग काउंटर एक्ट से आते हैं। देखिए ये दो शब्द से बना है, काउंटर प्लस एक्ट। काउंटर अटैक आप लोग सुने होंगे, काउंटर अटैक, या फिर आप लोग एक और वर्ड सुने हैं, इनकाउंटर में मारा गया। ठीक है, इनकाउंटर, इनकाउंटर, इनकाउंटर जनरली होता है अपोजिट, अगेंस्ट। तो काउंटर का मतलब होता है, काउंटर क्वेश्चन मत करिए, काउंटर क्वेश्चन का मतलब मैंने आपसे पूछा आप पढ़ने गए थे, तो आप बोले आप पूछने वाले कौन थे, दैट इज काउंटर क्वेश्चन। तो काउंटर क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, उस तरह से काउंटर अटैक हुआ, सामने वाले ने अटैक किया उधर से पलट के अटैक हुआ, दैट इज काउंटर अटैक। अभी इंडिया पाकिस्तान का वार हो रहा है, भारतीयों ने अटैक किया उधर से काउंटर अटैक हुआ, तो अटैक काउंटर अटैक, यहाँ पे काउंटर एक्ट कर रहे हैं। तो काउंटर एक्ट का मतलब आपने कुछ कार्य किया और उसके अपोजिट में मैंने दूसरा काम कर दिया, काउंटर एक्ट है ना, एक के बदले मतलब क्या कर सकते हैं, गिव एंड टेक टाइप होता है, ऐसे मेरे एक्ट के बदले आपने कुछ एक्ट कर दिया, दैट इज काउंटर एक्ट। काउंटर अटैक क्लियर है, अटैक के बदले अटैक, एक्ट के बदले अटैक। तो एक्ट का मतलब होता है क्या, एक्ट करो, एक्ट का मतलब एक तो हो सकता है एक्टिंग करो, तो एक्ट से एक्टिंग बन जाता है, एक्टर हो जाता है, वो तो अलग बात है। ठीक है ना, एक्ट से एक्टर, एक्टर छोड़ दीजिए, वो सबको पता है एक्ट से एक्टिंग कर रहा है जी, वो तो तुम बहुत बड़े एक्टर हो, एक्ट का मतलब होता ही है काम, काम करना, एक्ट करो, नहीं समय रह गया है ना, यू शुड एक्ट। ठीक है, एक्ट, एक्ट से फिर उल्टा क्या बनेगा बाबू, एक्ट से, एक्ट से बनेगा इन एक्ट। ठीक है, एक्ट से, ये देखिए एक्ट से एक्टिव, इसका उल्टा इनएक्टिव, तो एक्ट से क्या बन सकता है, एक्टिविटी। क्लियर है, एक्ट मतलब क्रिया, एक्टिविटी मतलब गतिविधि, उसकी गतिविधि। ठीक है, एक्ट का मतलब क्रिया, एक्शन मतलब हो गया, उसका मतलब एक्शन, काम होता ही है। एक्टिवेटेड एक नया वर्ड सीखिए, एक्टिवेटेड, वह जो यह काम कर रहा है लग रहा है कहीं ना कहीं वो किसी चीज से प्रेरित है, तो एक्टिवेटेड का मतलब होता है प्रेरित होना, उसकी इस बात में कहीं ना कहीं कुछ द्वेष झलक रहा है। His statement was activated by ill will. लिखते हैं, His statement was activated, मतलब प्रेरित था। देखिए एक्ट मतलब काम होना, काम करवाना किसी पार्टिकुलर वे में, वह गलत बोला क्योंकि शायद उसको ऐसा सीख मिला था, He was activated, वह प्रेरित था। समझ रहे हैं, एक्टिवेटेड का मतलब प्रेरित, कहीं ना कहीं वो गाइड किया जा रहा है, तो एक्टिवेटेड का मतलब यूं कह सकते हैं ही इज गाइडेड, गाइडेड टू एक्ट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, पार्टिकुलर मैनर, ही इज एक्टिवेटेड। प्रोएक्टिव आपको पता ही है, व्हेन यू आर हाईली एक्टिव, एक्टिव तो हो ही उसके और उसके फेवर में ही जा रहा है, मतलब आप दूर से ही समझ रहे हो एक्टिव तो है। प्रोएक्टिव का मतलब आप दूर की चीज पहले ही से देख रहे हैं, यू आर सीइंग समथिंग। ठीक है ना, एक्टिवेटेड का मतलब यू आर ऑलरेडी अवेयर कि ऐसा ऐसा होने वाला है, देख मतलब एक्टिव का मतलब प्लस इसमें प्रो लगा है, प्रो मतलब होता ही है इन फेवर ऑफ, आप और ज़्यादा से अच्छे से दे सकते हैं, प्रोएक्टिव है। ठीक है, ये डायग्राम देखिए अब आपको क्लियर होगा, ये है नाउन,
ये है वर्ब और ये भी है नाउन, हमारे लैंग्वेज में ये सुपर नाउन है। एक्टर एक्शन करेगा, एक्टर भी नाउन है, एक्शन भी नाउन, लेकिन ये एक्टिव है। एडजेक्टिव, एक्टिव क्या है? एडजेक्टिव। और ये एक्ट, एक्टुएट, एक्ट मतलब करना, ठीक है, और ये एक्टिवेट का मतलब प्रेरित करना, ठीक है। आइए ये छठे शब्द पे हम लोग आते हैं, एनहांस। बड़ा ही कॉमन वर्ड है, हम लोग कॉमन इंग्लिश में हमेशा एनहांस का इस्तेमाल करते हैं। एनहांस का मतलब होता है, मान लीजिए कोई कलर है, ठीक है, अब ये गाना सुने हैं, ये दुनिया एक दुल्हन है माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया, ना खूबसूरती बनानी हो बिंदी लगा दीजिए, खूबसूरती बढ़ जाएगी महिला की। आपने अलंकार पढ़ा होगा हिंदी में, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? जैसे अलंकार किसी महिला के अलंकार वो श्रृंगार जेवर जिस तरह से महिलाओं के खूबसूरती को बढ़ाते हैं, उसी तरह से शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, रूप अलंकार किसी स्टेटमेंट को किसी ऐसे की वो बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इन्हांस का मतलब हो सकता है टू इंक्रीज समथिंग, किसी चीज़ की बढ़ोतरी करना, बढ़ा देना, ठीक है। तो बढ़ाने के लिए हम लोग इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं, साइनोनिमस एमेलियोरेट, टू इम्प्रूव समथिंग, टू मेक समथिंग बेटर, टू इम्प्रूव, देखिए अपग्रेड करना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, तो अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग, अपग्रेड। जनरली ट्रेन में बोलते हैं टिकट अपग्रेड करवाना है, भाई अब टिकट अपग्रेड कराना है, 3 AC से 2 AC करना है, दैट इज अपग्रेडेशन। तो अपग्रेड, इन्हांस, इम्प्रूव, क्लियर है ना? टू मेक समथिंग बेटर, दैट इज एमेलियोरेट, एमेलियोरेट को इम्प्रूव करना, इन्हांस, और इन्हांस से इन्हांसमेंट, इम्प्रूव से इम्प्रूवमेंट, अपग्रेड से अपग्रेडेशन। तो कुल मिला के ये 6 शब्द हैं, ये 6 शब्द जो है हमारे हार्डविक वॉल्यूम 2 के लेसन नंबर 7 के शुरुआती 6 शब्द हैं। 6 शब्द को मैं और करवाता हूँ अभी आपको।